हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे कि डेली चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन से स्टॉक्स में ये ब्रेकआउट आया है, कौन से लेवल्स पे आया है, कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको एक एक पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है TCS। TCS के शेयर में हम लोगों ने वीकली बेसिस पे देखा था, जो इससे पहले के ब्रेकआउट स्टॉक्स के वीडियो में मैंने TCS को कवर किया था और क्लियरली हम लोगों ने देखा था स्टॉक में जो है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी जरूर देखने को मिला, बट यहाँ पे सेकेंड हाफ में मार्केट में प्रेशर होने की वजह से इस स्टॉक में जो है हम लोगों को ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला नहीं। करेंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट पे जो हुआ है वो आपको 3530 से 3550 इस रेंज में स्टॉक के पास एक अच्छा सपोर्ट है। पहले इसी लेवल पे रेसिस्टेंस ले रहा था, अब जो है इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है क्योंकि स्टॉक में जो है इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और ये अब कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक को बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो है SL आपका 3545 के नीचे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके डेली क्लोजिंग बेसिस पे, जहां पे कि आपका व्यू 1 to 2 week विद इन 1 to 2 week टारगेट का होगा और आपका टारगेट जो है ऊपर के साइड में 3700, 3800 ये सभी टारगेट्स जो है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की साइड में आपका SL जो है 3545 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा टाइम ले लेगा, हो सकता है इस रेंज में वापस से स्टॉक जो है टाइम स्पेंड करे। तो इसी वजह से अगर आपका व्यू बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए है विद इन 1 to 2 week तो फिर जो है आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं अभी भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वेडनेसडे को, क्योंकि कल हॉलीडे है गणेश चतुर्थी की वजह से। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है कंटिन्यूएशन में। सेकेंड स्टॉक की बात करेंगे, सेकेंड स्टॉक है TVS मोटर्स। TVS मोटर इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था जब स्टॉक में एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, याद होगा यहाँ पे हम लोगों ने एक रेंज का ब्रेकआउट देखा था और हम लोगों ने इस स्टॉक को डिस्कशन किया था 1400 के लेवल से। स्टॉक जो है तकरीबन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 9% का एक अच्छा तेजी हम लोगों को इस स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और वापस से इस स्टॉक में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट आपको फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिला था। यहाँ पे ब्रेकआउट देके स्टॉक ने क्लोज दिया था, आज के सेशन में वापस से यहाँ पे स्टॉक जो है कंटिन्यूएशन कर रहा है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक को करंट लेवल पे बाई करते हैं तो यहाँ पे जो है नीचे की साइड में आप अपने SL को 1440 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। पहला जो आपका टारगेट हो जाएगा वो आपको 1600 और उसके ऊपर जो है फिर 1700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से जो है TVS मोटर को भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है रेंज का भी, साथ ही साथ जो है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल स्विंग हाई के ऊपर क्लोज दिया था और आज के सेशन में यहाँ पे कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को मिला है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है आसाई इंडिया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक रेंज था, ये रेंज के ऊपरी लेवल पे आपको फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने क्लोज दिया था और आज के सेशन में स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है। जो रेंज था वो 515 से 605 इस रेंज में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ऑलमोस्ट स्टॉक जो है यहाँ पे प्रीवियस 2 week से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे तो स्टॉक जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो है स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है, स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। यहाँ पे मंथली चार्ट में हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था
वापस से नीचे के लेवल से स्टॉक जो है अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जा सकता है और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर इस स्टॉक में जो है फ्रेश तेजी भी देखने को मिल सकता है। मंथली चार्ट पे भी स्टॉक जो है एक अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है, 400 टू 650 660 इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन वन एंड हाफ ईयर से। तो एक बार के लिए जब जैसे ही ऊपर के साइड में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आप इस स्टॉक को बाई करके रख सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है 700 और फिर 800 का लेवल हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट है अभी के लिए। एसएल जो है नीचे की साइड में 550 के नीचे होगा तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पे रिस्क है अभी 75-76 पॉइंट का है। ऊपर की साइड में आपका पहला टारगेट 700, दूसरा टारगेट जो है 800 का रहेगा, लेकिन टारगेट को आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा टारगेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मोर देन 2 वीक्स का भी समय आपको लग सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो है आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को 3250 के लेवल से एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे गिरावट के बाद स्टॉक ने एक अच्छा रेंज बनाया ऑलमोस्ट अगस्त और फिर सितंबर का फर्स्ट वीक स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड किया है और अब जाके यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में स्टॉक ने ब्रेकआउट देके क्लोज दिया है तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को ऊपर की साइड में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। इमीडिएट टारगेट की बात करेंगे तो आपका इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ पे 3250 का लेवल होगा और एक बार इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में जो है 3500 तक का एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा ये आपको एक पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और टारगेट जो होता है वो होता है आपको ये डेप्थ। ऊपर की साइड में ये डेप्थ को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का ये डेप्थ है तो 3500-3600 ये सभी जो है आपका टारगेट होने वाला है। तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा एंट्री मिल सकता है। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस जो है 2975 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे होगा। पहला टारगेट 3250, दूसरा टारगेट 3500। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। टाइटन के स्टॉक में एक शानदार तेजी आज के सेशन में भी देखने को मिला। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको 3500 तक का एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में जो है दीपावली दशहरा ये सभी आने वाला है, उससे पहले जो है आपको ज्वेलरी के स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। धनतेरस में काफ़ी लोग ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं, साथ ही साथ आगे आपको करवा चौथ है, फिर दुर्गा पूजा है, दीपावली है, तो इन सभी चीज़ों से जो है काफ़ी ज़्यादा आपको ज्वेलरी के ऊपर फोकस रहता है। इसी वजह से ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स में जो है आने वाले 1 से 2 महीने में आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और उसी में है टाइटन। टाइटन में भी एक अच्छा तेजी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस पे आप एंट्री ले सकते हैं। नीचे की साइड में 3240 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे जो है आपका एसएल होना चाहिए। ऊपर की साइड में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। पहला टारगेट होगा 3500 का, दूसरा टारगेट होगा 3600 का। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है क्रिंग्स इंफ्रा। इस स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था 2022 में और उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला है। स्टॉक उस लेवल से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। करंटली स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक में भी एक अच्छा क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला था और उसी का कंटिन्यूएशन आज के सेशन में इस स्टॉक में देखने को मिला। स्टॉक एक अच्छे रेंज को ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है। आज इस रेंज को वापस से आपको रीटेस्ट भी किया है तो इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे 140 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे इस स्टॉक का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर की साइड में पहला टारगेट 170, दूसरा टारगेट आपका 200 करेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।